हेलो फ्रेंड्स, झांसी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आपको जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहा हूँ, जो कि रेलवे, SSC, बैंक, UP पुलिस, लेखपाल आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी नए मित्र जुड़े हैं और वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। चलो ठीक है, तो अब मैं आपको GK के प्रश्न करा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि इनमें से कहाँ विद्रोह की बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे पहले 1857 का विद्रोह कहाँ पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, इसमें देखिए, ये हुआ था आपका बैरकपुर। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, बैरकपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लाला लाजपत राय इनमें से किसके विरुद्ध प्रदर्शनी के समय घातक चोट पहुंची थी। मतलब लाला लाजपत राय किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जब उनको गहरी चोट पहुंची थी। साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, करप्शन मिशन या असहयोग आंदोलन। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि साइमन कमीशन। क्या था यहाँ पर, साइमन कमीशन के विरुद्ध ये क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे जब इनको घातक चोट पहुँची थी। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी। तो किस काल में बनी थी आपकी अजंता गुफाएं, गुप्त काल में, कुषाण में, मौर्य में या पांड्य काल में। किस में बनी थी फ्रेंड्स, ये आपकी बनी थी गुप्त काल में। कौन से काल में बनी थी, गुप्त काल में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने भारत में स्थानीय स्व सरकार चालू की थी। इनमें से किसने भारत में स्थानीय स्व सरकार चालू की थी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिफेन, राजा राम मोहन राय या लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने भारत में स्थानीय स्व सरकार चालू की थी प्रथम बार। अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ से, इनमें से किसी ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से ज्ञान से प्रकाशित किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा बुद्ध। किसको कहा जाता है, बुद्ध को ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, और ये जो भी नए मित्र मेरे चैनल से जुड़े हो, उनसे मेरा दोबारा रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना नहीं पहुँचे ना भूलें। झांसी स्टडी, जो कि आपके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैनल है प्रिपरेशन की हिसाब से। ठीक है क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन फिर क्या है, जजिया को किसने शासन में पुनः लगाया था। मतलब पुनः जजिया कर किसने लगाया था, ऐसा कौन सा राजा था मतलब कि जिसने कि पुनः जजिया कर लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो ये आपके थे औरंगजेब। औरंगजेब ने पुनः भारत में जजिया कर लगा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कि एलोरा की गुफाएं इनमें से किसकी हैं। तो किसकी हैं, हिंदू की गुफाएं हैं, जैन की, बौद्ध की गुफाएं कि ये सभी। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी ये सभी। किन की हैं, ये सभी मतलब जैन की भी हैं, हिंदुओं की भी हैं और बौद्ध की भी है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से हड़प्पा के किस स्थल में डॉक रहा था। हड़प्पा के स्थल किस स्थल में डॉक रहा था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आलमगीरपुर या लोथल। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इनमें से किसे भारत के मैकियावेली कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, मेगानिस्थनीज, चंद्रगुप्त द्वितीय, कौटिल्य उप चाणक्य या वाल्मीकि। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके हैं कौटिल्य उप चाणक्य। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान के पश्चिम
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब के हिस्सों में 1830 में आरंभ की गई थी। क्या आरंभ की गई थी? इजारेदारी व्यवस्था, स्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था या रैतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से महलवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन क्या है आप कि वेदों के और लौटों का आह्वान किसने किए थे, या इसको कह सकते हैं कि वेदों को और लौटों का नारा किसने दिया था, किसने दिया था फ्रेंड्स? तो आपका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है अकबर नामा पुस्तक के लेखक कौन है? ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए, बहुत ही। अकबर नामा पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल, गुलबदन बेगम, मुल्ला दाऊद या खवाद अमीर। तो ये कौन है आपके फ्रेंड्स? ये हैं आपके यहाँ से अबुल फजल। कौन है फ्रेंड्स? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1659 में शिवाजी ने किस किले में अफजल खान को मौत की घाट उतारा था। मतलब शिवाजी ने 1659 में अफजल खान की मौत को घाट किसने उतारा, कौन से किले में उतारा था? पन्हालगढ़, विशालगढ़, प्रतापगढ़ या रायगढ़, कौन सा किला था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रतापगढ़। कौन सा हो जाएगा आपका? प्रतापगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल के दौरान पिट अधिनियम 1784 ईस्वी को प्रस्तावित किया गया था। मतलब किसके शासनकाल के दौरान पिट अधिनियम 1784 पारित हुआ था, किसके दौरान हुआ था? ये है आपके आंसर यहाँ से हो जाएगा वारेन हैंगस्टन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि राजा शिवाजी के किस प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तराधित्व किसके पास था? राजा शिवाजी के शासन में राजकीय पत्राचार का दायित्व किसके पास था? सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनेगा आपका यहाँ से। तो यहाँ पर कौन से न्यायाधीश के पास था? सुरनबिस के पास था या पंडित राव के पास था तो या मर्त के पास था? तो आंसर क्या आंसर हो जाएगा? सुरनबिस। किसके पास था आपके? सुरनबिस। अगला क्वेश्चन है भगवान विट्ठल के प्रति भावभक्ति दर्शाने के लिए अभंगी रचना करने वाले संत तुकाराम निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा फ्रेंड्स? ये बनेगा संत तुकाराम कहाँ के रहने वाले थे? तो संत तुकाराम कहाँ के रहने वाले थे? पुणे के निकट देहू, पंडरपुर, पैठव या आलंदी। तो कहाँ के निवासी थे फ्रेंड्स? ये थे पुणे के निकट देहू के। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक फ्रेंड्स, 1865, 1875, 1885, 1905। तो कब हुई थी फ्रेंड्स? ये हुई आपकी 1885 में। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, और जो भी मेरे चैनल पर जहाँ से पर नए में तो जुड़े हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना ना भूले, जिससे कि आगामी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रिपरेशन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ से मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? मूक नायक जो पत्रिका थी वह किसने शुरुआत की थी, किसने की थी? जी एम पांडे, गोपाल गणेश, बी आर अम्बेडकर या महात्मा गांधी। तो यहाँ पे कहते हैं आपके अम्बेडकर ने क्या किया था, मूक नायक पत्रिका प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल के दौरान हुइनसांग भारत भ्रमण पर आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त सेकंड या अकबर या धर्मपाल। तो किसके शासनकाल में आया था ये फ्रेंड्स? तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। किसके शासनकाल में आए थे ये? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत के भ्रमण पर आए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? ये रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है मित्रों, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे? किस, हम्पी, कालीबंगा, कन्हेरी या जूनागढ़। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आपका कालीबंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है
कि महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी, जो कि आने वाला है अपने यहाँ, तो जी के गोखले, बी जी तिलक, जी जी अगरकर या एम जी रांडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी जी तिलक। क्या हो जाएगा आंसर आपका, बी जी तिलक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा है, किसके साथ जुड़ाता है, कि गोद निषेध प्रथा, सह संधि, स्थायी बंदोबस्त, अंग्रेजी शिक्षा, किसके साथ जुड़ा है ये आपका फ्रेंड्स? तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा के साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन भारत राष्ट्र आंदोलन के गर्म दल के नेता थे, मतलब यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, गोपाल गोखले, तेज बहादुर शप्रू या विपिन चंद्र पाल, इसमें से गर्म दल के नेता कौन थे, तो इसमें से कौन थे अपन, विपिन चंद्र पाल। कौन थे यहाँ से फ्रेंड, विपिन चंद्र पाल, ये किसके नेता थे, गर्म दल के नेता थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे, सूरसेन, खुदीराम बोस, रामप्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह, कौन शामिल थे यहाँ से आपके काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल। कौन शामिल थे, रामप्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां, तो किसने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण, यह करवाया था आपके अकबर ने, किसने करवाया था, अकबर ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, बल्लभी। प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी फ्रेंड्स, नालंदा, बल्लभी, तक्षशिला या पाटलिपुत्र, तो कहाँ पर हुई थी आपकी, आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाटलिपुत्र, कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है डेडरेस 1793 भारतीय सिविल सेवा आरंभ किसने की थी, मतलब 1793 भारतीय सिविल सेवा आरंभ किसने की थी, लॉर्ड कार्नवालिस, सर जॉन सॉर, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड हार्डिंग, किसने प्रारंभ की थी आपसे आपकी, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर लॉर्ड कार्नवालिस। क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक फ्रेंड्स, आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, मतलब आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद में हुई थी, ऋग्वेद में, सामवेद में या आपका अर्थवेद में या आपका यजुर्वेद में। ठीक है फ्रेंड्स, और तो आयुर्वेद की उत्पत्ति किस काल में हुई थी आपकी यहाँ से, किस काल में हुई थी फ्रेंड्स, अर्थवेद में, काल नहीं सॉरी फ्रेंड्स, वेद में, कौन से वेद में, अर्थवेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से है, कौन से शासक है जिनका संबंध गुलाम वंश से, इल्तुतमिश, हुमायूं, अहमद शाह अब्दाली या अकबर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन कि कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से, इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर या अहमद शाह अब्दाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश, ये किससे संबंधित है आपके, गुलाम वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स आप यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में नहरों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब सीधा क्वेश्चन ये बनेगा कि नहरों की सिंचाई के लिए कौन सा राजा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, कौन सा हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक थे, तो भाई ये तो क्या थे, तुम्हारे पागल थे, तो ये तो वैसे नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा किया नहीं था, तो कौन थे आपने आपके यहाँ से, फिरोज शाह तुगलक, कौन थे यहाँ से आपके, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत था, मतलब बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत कौन था, कबीरदास जी, विवेकानंद जी, तुलसीदास या महाप्रभु चैतन्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा कि महाप्रभु चैतन्य बंगाल में भक्ति आंदोलन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे ये। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने भगवान के नज़दीक होने की
नज़दीक होने की उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए नृत्य और गीत का माध्यम अपनाया था। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, आपसे आपके 74, ये भी आपके कौन हो जाएंगे, ये भी फ्रेंड्स आपके होंगे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु संत ने भगवान के नज़दीक होने की व्यक्तिगत उपस्थिति का एहसास एवं नृत्य और गीत कीर्तन का माध्यम अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, किसने सभी सिखों को एकता के सूत्र में बांधा और पंजाब राज्य का गठन किया। मतलब क्वेश्चन ये बनेगा कि सिखों को एकता के सूत्र में बांधने तथा पंजाब गठन का राज्य किसने किया था। गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, महाराणा रणजीत सिंह ने, या गुरु तेग बहादुर ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी क्लास आप पर यहाँ पर क्लोज होती हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी क्लास आपको जीके के क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना छोड़ें। और सबसे ज़्यादा क्या कीजिए, आप शेयर कीजिए, जिससे कि हम लोगों को क्या हो सके, मोटिवेशन मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके बाय।